हेलो स्टूडेंट, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा देश कोरोना महामारी की वजह से जूझ रहा है और हमारे विद्यालय ने आपकी पढ़ाई को चालू रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज का प्रबंध किया गया है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकें। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से चालू रखें। तो आज हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आज हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बातें करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे हिंदी विषय में पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपठित बोध आता है। यह चार चरणों में विभाजित है, चार खंड हैं इसके। सबसे पहला खंड है अपठित बोध। अपठित बोध में भी कै और खै, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश शामिल किए गए हैं। अपठित गद्यांश गद्य भाग से लिया जाता है, जो कि चार नंबर का होता है, और अपठित पद्यांश होता है वह पद्य भाग से लिया जाता है, वह चार नंबर का होता है। टोटल मिलाकर दोनों आठ नंबर के होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा खंड आता है रचना। रचना के अंतर्गत निबंध और पत्र लेखन दो चीज़ें शामिल की गई हैं। निबंध हमारा आठ नंबर का होता है, यह हम बाद में कॉपी में करवाते हैं, और पत्र लेखन में दो चीज़ें शामिल की गई है, कार्यालयिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, दो प्रकार के पत्र हैं उसमें, वो भी चार नंबर के होते हैं। चार नंबर के टोटल मिला के 12 नंबर की हमारी रचना होती है। इसमें 8 नंबर का निबंध और 4 नंबर का पत्र शामिल किया गया है। कार्यालयिक पत्र और व्यावसायिक पत्र दोनों अथवा में आते हैं। उसके बाद आता है हमारे तीसरा खंड व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत हमारे ये 8 टॉपिक शामिल किए गए हैं। 8 टॉपिक के अलावा कोई अन्य टॉपिक हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में, मतलब 10th की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 10-8 टॉपिक है, उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक शामिल नहीं किया गया है। 8 टॉपिक में विशेषण, क्रिया, कारक, काल, वाच, लोकोक्ति, समास, मुहावरे और वाक्य शुद्धि, ये 8 चीज़ें हैं। इसमें विशेषण और एक नंबर का, क्रिया एक नंबर की, कारक एक नंबर का, काल एक नंबर का, वाच्य एक नंबर का, लोकोक्ति एक नंबर की, एक ही पूछी जाती है, समास दो नंबर के पूछे जाते हैं, मुहावरे दो पूछे जाते हैं और वाक्य शुद्धि के दो वाक्य पूछे जाते हैं। काल, कारक और वाच्य तीनों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। वाक्य के अंतर्गत तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तीनों चीज़ें एक एक नंबर के शामिल की हुई होती है। अगर उनमें से हमारी एक भी गलत हो जाती है तो एक नंबर कट जाता है, इसलिए ये तीनों चीज़ें एक ही वाक्य में पूछी, इनको ध्यानपूर्वक करना है। उसके बाद चौथा जो हमारा खंड शामिल होता है वो पाठ्यपुस्तक क्षितिज। क्षितिज पाठ्यपुस्तक, जिसका क्षितिज हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम है, वह 48 नंबर की शामिल की हुई है। अब 48 नंबर के अंतर्गत व्याख्याएं शामिल होती है, निबंधात्मक प्रश्न शामिल होते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न शामिल होते हैं, कुछ अति लघुत्रात्मक होते हैं, कुछ रचन हमारे कवि परिचय होते हैं, दोनों गद्य और पद्य दोनों भागों से कवि और लेखक परिचय पूछे जाते हैं। ऐसे करके हमारे कुल बोर्ड का पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। 80 नंबर का तो हमारा पेपर होता है और 20 नंबर का हमारा सत्रांक होता है। सत्रांक के अंतर्गत हमारे विद्यालय से मेम सत्रांक हमारे विद्यालय से भेजे जाते हैं, और इस सत्रांक के अंतर्गत एक्टिविटीज आपकी, आपके व्यवहार, आपका प्रोजेक्ट कार्य और आपकी अटेंडेंस, टोटल मिला के 20 नंबर की होती है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रत्येक विषय के 20 नंबर भेजे जाते हैं। ऐसे टोटल आपका प्रत्येक विषय का 100 अंक का पेपर होता है। तो ये तो बातें थी हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित। अगर आप उतारना चाहते हो तो आप इसको उतार लीजिए। तो देखो, हम सबसे पहले हमारे व्यावहारिक व्याकरण के फर्स्ट टॉपिक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण, सबसे पहले आती है विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा जो शब्द सं
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, छोटा, पतला, दुबला, मोटा आदि। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। काली गाय है, राम के पास काली गाय है। तो इसमें काली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो गाय शब्द तो क्या हो गया? संज्ञा शब्द। और काली शब्द क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखें। महाराणा प्रताप साहसी पुरुष थे। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा हो गया? साहसी शब्द, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की विशेषता बता रहा है। महाराणा प्रताप इसमें संज्ञा शब्द, क्या हो गया? संज्ञा शब्द। अगर समझ में, अगर आप विशेषण की परिभाषा उतारना चाहते हो तो बताओ। अब आता है विशेषण के बाद विशेष। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे ममता तेज दौड़ती है। तो इसमें तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण। तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण। और तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ममता की। किसकी बता रहा है? ममता की। तो ममता शब्द किसे क्या हो गया? इसमें विशेष, क्या हो गया? विशेष। क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो ममता तेज दौड़ती है, तेज शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि ममता की विशेषता बता रहा। तो तेज शब्द से किसकी विशेषता का पता चल रहा है? ममता की, क्योंकि ममता कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो ममता शब्द क्या हो गया? इसमें विशेष शब्द। अब आता है हमारे विशेषण के प्रकार। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक
और चौथा सार्वनामिक या संकेत वाचक। सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप आकार दशा आदि का बोध कराते हैं, वो गुण व्यक्ति के गुणों का पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का पता चलता है, परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का पता चलता है, और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा विशेषण में गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आकार स्वभाव दशा जाति धर्म भार समय आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोबारा देखो, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आकार स्वभाव दशा जाति धर्म भार समय आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, छोटा, कच्चा, अधपका, अधजला, भला, पीला। मीठा, मीठा से किसका पता चलता है? स्वाद का। छोटा से आकार का, कच्चा से स्वाद का, अधपका, अधजला, भला, पीला भला शब्द से स्वभाव का, और पीले से रंग का इसका, और अधपका अधजला से दशा का बोध होता है कि कैसी दशा में है वो, पूरा पका हुआ है कि अधपका है, देख के हम बता सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा कक्षा दस की छात्रा शांत रहती है। अब इसमें शांत शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। क्यों है? क्योंकि कक्षा दस की छात्राओं के स्वभाव के बारे में बता रहा है, कैसी है? शांत है बिल्कुल, कैसी है? शांत। तो उनके स्वभाव का पता चलता है कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव की, कक्षा में बिल्कुल शांत बैठी रहती है। दूसरा है हमारा उदाहरण कनिका हिंदू धर्म को मानती है। तो इसमें हिंदू शब्द किसकी पता बता रहा है? धर्म का। किसका बता रहा है? धर्म का। तो कनिका किस धर्म को मानती है? हिंदू धर्म को। तो धर्म शब्द से हमें गुण का पता चल रहा है, किसका? धर्म का पता चल रहा है। इसे गुणवाचक विशेषण में जा रहा है। किसमें जा रहा है? क्योंकि ये धर्म, इसमें जाति धर्म सब आता है इसमें, तो ये किसमें चला गया? गुणवाचक विशेषण में। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों
से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, पहला निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है, और अनिश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे हम। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन पेंसिल, दस विद्यार्थी, दस विद्यार्थी, पांच पेन, तीन पुस्तक। तो इसमें देखो एक दर्जन पेंसिल, तो इसमें एक दर्जन में कितनी होती है, 12, कितनी होती है 12। तो एक दर्जन से निश्चित संख्या का पता चलता है कि 12 पेंसिल होती है। 10 विद्यार्थी, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। तो 10 शब्द से हमने निश्चित संख्या का पता चलता है, क्या चलता है, निश्चित संख्या। ऐसे ही 5 पेन, 3 पुस्तक, ये शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, पहला गणनावाचक,
दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्ति वाचक, और चौथा समुदाय वाचक। गणना वाचक विशेषण में गणना की जाती है, एक दो तीन। क्रम वाचक में क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा। और आवृत्ति वाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना। और समुदाय वाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्या वाचक विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक में तो हमने पढ़ा कि हमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है। अब अनिश्चित संख्या वाचक में अनिश्चित शब्द से ही ज्ञात होता है कि हमें किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। तो हमारी परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, जैसे कुछ फल, कुछ नहीं थोड़ा, जैसे थोड़ी
से मोहन बाजार से कुछ फल लाया। क्या लाया? कुछ फल लाया। तो कुछ शब्द से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, कुछ शब्द से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। ऐसे दूसरा देखो, श्याम के पास कुछ बकरियां है, कुछ गायें हैं। इसमें भी इस शब्द से हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। तो ये थे हमारे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। अब हम अगले वीडियो में इसके जो आगे के दो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और आगे हमारे जो ऑनलाइन क्लासेज है वो चलती रहेंगी। तो धन्यवाद।